भौतिक 4 साल हो गए हैं। इतने में एक चूहा अपनी पूरी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेता है और तुम अपने पापा से बात नहीं कर पा रहे। पापा, तुम जानती नहीं हो मेरे पापा को। ये गड्ढा भरने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन साहब। 5 दिन? जी। जब 6 लोगों को 1 दिन लगता है तो तुमको अकेले 6 दिन लगेंगे ना। झूठा, निकल यहाँ से। पैसे बचाएगा मेरे। वो मैथ से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वर्कर्स की भी एफिशिएंसी चेक करते हैं, तो सोचो बहू के लिए उनकी क्या क्या क्राइटेरिया होगी। एक मिनट, इस एप्पल को देख के तुमको क्या दिखता है? कितने बार बोलना पड़ेगा दैट आई हेट दिस फ्रूट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तुम्हें पता है मुझे क्या नजर आता है? न्यूटन बाबा, फिजिक्स की जान, ग्रेविटी। ये एप्पल लव है हमारा। वी आर नॉट सेम जीवा। तुम पीसीबी कोर्स की हो और मैं पीसीएम। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पापा को फर्क पड़ता है क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, LHS इक्वल्स टू RHS। वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे बिकॉज इट्स एन इंटरकोर्स मैरिज। इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हैं। मैं हूं भौतिक, वर्मा अंकल का फेवरेट। जिस एज में लोग लड़कियों की फिगर देखते थे, मैं उनके फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरेस्टेड था। वैसे तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है सिवाय दो लोगों के, और ये बायोलॉजी सेक्शन वाली जीवा। तू तो आज लंच में फिश लाने वाली थी ना? यार फिश का तो कल डाइसेक्शन कर दिया, इसलिए आज अमीबा पराठा। यार थोड़ी गर्मी नहीं है? जीवा को देखते ही फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अब मुझे न्यूटन की तरह लाइफ के एन नंबर ऑफ डेज अकेले नहीं गुजारने होंगे। बस फिर क्या था? मैं उसके ऑक्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के लिए पहुंच गया। जीवा, इस फ्री फ्लोइंग भौतिक को तुम्हारी ऑर्बिट चाहिए। क्या तुम सिंगल हो? नहीं, मैं मल्टी सेलुलर हूं ना, तो सिंगल कहां से हुई? Will you be the acceleration of my life, Jeeva? तो सच ही कहते हैं, opposite charges attracts each other. पर ये कौन बताएगा कि वो collision को भी welcome करती है? जीवु नहीं जाते ना पापा के पास, please, please जीवु, please नहीं जाते ना। सुलाजी, चलते हैं। नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा बेल नंबर। पापा भी किचन में। बायोलॉजी पापा जी। इन्फिनिटी पापा, खुद सॉल्व किया था या फ्रेंड से करवाया था? पापा मैंने किया था पापा। फिर से बाथरूम की घंटी बजा दी। चलो अंदर आओ। हाँ तुम इधर और मैं। एक ही एक्सेस है। एक मिनट। पाई पाई पर लिखा है चलने वाले का नाम। पाई 3.1415। देख लेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। रामानंदन की कृपा से ये 2 क्यूब और 1 क्यूबॉइड का छोटा सा घर है हमारा। ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं पापा, बस दोस्त है। मतलब पापा, हाँ मैं इसके ऑर्बिट में हूँ। ऑर्बिट में हूँ मतलब भौतिक? मतलब पापा, आई मीन ग्रेविटी विथ हर। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं कि तुम्हारा ये इंटीग्रेशन एक्स टाइम से चल रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 साल पापा। 21,03,840 मिनट। जाओ मेरे लिए 60 ml पानी लेके आओ। लड़का जीरो को जीरो से डिवाइड करने वाली बातें करता है। ये 60 ml पानी है? हाँ पापा, 60 ml। ठीक से देखो, ये 60.2 ml है। लेकिन अंकल, ऐसी डिटेल्स तो 99.99% लोग मिस कर देते हैं। ये भी ठीक है। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? 99.99।
ये कोई मैथ्स का स्टूडेंट नहीं बोल सकता। क्या नाम है तुम्हारा? जीवा। और पिताजी का? वनस्पति। रामानुजन रामानुजन रामानुजन। पीसीबी कोर्स, तुम्हें पता है ना हम पीसीएम कोर्स के हैं? तुम्हें दुनिया में यही लड़की मिली थी? पीसीबी और पीसीएम के बीच में इक्वेशन कभी बनी नहीं सकती, और अगर इक्वेशन बन भी गई ना तो इसका सलूशन सिर्फ इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। हमारे समाज में ना ये इंटर कोर्स मैरिज कभी नहीं हो सकती। अंकल, चार बॉडीज क्या सोचती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? भौतिक का बंदर जो अपनी पूंछ से टेंशन नाप नाप के थक जाता है तो मेरे पास ही आता है दर्द की दवा के लिए, और अगर मैं नहीं होती तो भौतिक थोड़ी ना रोज नया बंदर लेके आता। We are made for each other. आप हमें मौका तो दीजिए। मौका चाहिए ना? दिया। देखते हैं तुम्हें कितना पता है हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और सिलेबस के बारे में। शाम के पास 65 तरबूज, 53 अनानास और 14 एवोकैडो हैं। वो रैंडमली इनमें से आधे खा लेता है। ऐसे कैसे रैंडमली आधे खा लेता है? किसी इंसान का फंडस इतना बड़ा होता ही नहीं, वो खा ही नहीं सकता। और अगर वो खा रहा है तो उसको रोकिए, नहीं तो उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा। अरे 10 लग जाएंगे अंकल, 10। ठीक है, मैं मेंस्ट्रुएशन पे सवाल करता हूँ। मेंस्ट्रुएशन पे सवाल? हेलो, 21st सेंचुरी है, इट्स अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, हर महीने आती है और उसकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं, और आप कैसे सवाल उठा सकते हो? हाँ, मेंस्ट्रुएशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहा था, इसमें वो वॉल्यूम और क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। ये मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। ठीक है, एक आसान सवाल पूछता हूँ। व्हाट इज एक्स वाई? ये मुझे पता है, एक्स वाई पेयर इज अ क्रोमोसोम जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों में पाया जाता है। बेटा, इस लड़की को हमारे सर्कल, हमारे पिरामिड, हमारे संस्कारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं इसके हाथों में कैसे अपनी फैमिली की स्ट्रेट लाइन सौंप दूं, जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही बात है। ये रिलेशन किसी सेट में नहीं हो सकता। चले जाओ तुम दोनों यहां से। अरे अंकल, किस बात का गुरूर है आपको आपके कोर्स पे? हाँ, एटलीस्ट हमारे कोर्स की चीजें काम तो आती है। आप, अरे छोड़, एटलीस्ट हमारे कोर्स की चीजें यूज तो होती है। आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है? यूज की बातें मत करो तुम। हम लोग दिमाग का सिर्फ डायग्राम नहीं बनाते हैं, हमको यूज भी करना पड़ता है। तुम लोग ना मैथ से डर के बायो लेते हो, डर के। हाँ, तो डर लगता है कि कहीं 4 साल अपेंडिक्स के जैसे इंजीनियरिंग हॉस्टल में पढ़े नहीं रहे, इस आस में कि एक दिन एक आईटी कंपनी आएगी और हमें ऐसे थोक के भाव में उठा के ले जाएगी कहीं। अरे कम से कम 4 साल पढ़ के नौकरी तो लग जाती है, तुम्हारी तरह 40 साल तक टेस्ट थोड़ी देते फिरते हैं। अरे जलते हो तुम लोग, क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा ले, रहेगी 3 इडियट्स के नीचे ही। क्लाइमेक्स में थी तो हीरोइन डॉक्टर ही। अपने सर्कल में रहो तुम, इस पायर स्क्वायर से बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। चिल्लाइए मत अंकल, आपके भी फेयरिंग्स मिट जाएंगे। Stay within your limits, limit extends to zero. अरे हूँ मैं खाते पीते घर की, नहीं है मेरा फिगर जीरो। बस करो यार, बस करो। क्या लगा रखे हो? क्या है पापा ये कोर्स 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 कोर्स? क्या है इस कोर्स में जो उसके आगे आपको हमारी खुशियां नजर नहीं आ रही है? पापा, कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है। जैसे सेल हम तीनों के पास है, बस मतलब हम अपने अपने हिसाब से निकाल लेते हैं ना। पापा, मुझे पता है कि आप हमें मंडप में 7 सर्कुलर मोशन नहीं लेने देना चाहते, क्योंकि आपके लिए कोर्स वाला म्यू बहुत हाई है, पर शादी के बाद थोड़ा जीवा हमें जानेगी, थोड़ा हम जीवा को जानेंगे। ऐसे ही तो बनता है ना आपका नंबर लाइन पापा, सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल को मिलाकर। न्यूट्रल नहीं, जीरो कहते हैं। वही पापा। पापा, प्यार का अंडर रूट ना कोई भी लगा सकता है, पर प्यार का स्क्वायर लगा सके ऐसे कुछ लोग ही होते हैं। मुझे लगा था आपके रहते मेरे लाइफ में हमेशा खुशियों की वेव होगी, पर आप तो लाइट की तरह ड्यूअल नेचर के निकले पापा। चलो जीवा, इस पापा की बनाई दुनिया से कहीं दूर, बस तुम और मैं आइसोलेट होने। रुक जा बेटा, तुम्हारा ये इनफाइनाइट सीरीज जैसा मोनोलॉग सुन के मेरी आंखें खुल गई। क्या हो, क्या रहा है? आप लोग की मेंटल स्टेट तो ठीक है ना? क्या हो रहा है? तुम्हारा एक्सपेंशन हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो, मुझे पता था तुम फट्टू तो हो ही, तो इसलिए मैंने पहले अंकल को कांटेक्ट कर लिया और हमने ये प्लान बनाया।
समझ नहीं पाया ना तो अपने बाप को बोला है ना बेकार में ही मुझसे डरता रहा लेकिन ये भूल गए कि जिस मैथ्स में सब्ट्रैक्शन है उसी में एडिशन भी है ये कोर्स वगैरह तो इंसानों ने बनाया है बेटा साइंस तो एक ही है तुम्हारी शादी जीवा से ही होगी लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि लॉग का बेस तो मैं यूं चेंज कर देता हूँ अब तुम इस मैट्रिक्स का पार्ट बनने वाली हो तो घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और इस घर के सबसे बड़े हैं ये है तेरे थ्योरम कभी प्रोडक्ट कभी सम सॉल्व कर लेंगे हम कभी प्रोडक्ट कभी सम तो भाई कि कोर्स वोर्स के बैरियर तोड़ो और जम के बॉन्ड्स बनाओ कोवेलेंट नहीं आयोनिक अब आप सोच रहे होगे ये भौतिक केमिस्ट्री की तरह क्यों बातें कर रहा है वो क्या है ना मैंने ये कोर्स वाला बैरियर तोड़ दिया है आप भी तोड़िए ये गाइस तो अब हम आ चुके हैं इनके पापा के घर पे केमिस्ट्री दीदी आप और ये कौन है ये मेरे हस्बैंड #earthloverbhugol मैंने इनसे शादी कर ली है आर्ट्स यूक्लिड 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 इंटर डिपार्टमेंट हे गाइस तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें इस पे कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ये भी बताएं कि और किस किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसे इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द TVF